पापा चालू हो गए। मेरा ही कर रहा है। पापा चालू करो ना। अभी सब लोग आ रहे हैं, सबका हर्ष भाई आए हैं, संदीप जी आ गए हैं, रंजना तिवारी जी, महेश सावरा, अंजलि बहन, बाबू सिंह नायक, योगेश उपाध्याय, राकेश गुप्ता जी भैया, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग मानव कर्म दर्शन के अध्याय 2 उपासना विवेक को अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जो मैंने बात की थी उसमें से थोड़े से हिस्से को रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कहा गया कि दिव्यात्माओं की उपासना ही विद्या है, देवात्माओं की उपासना उप विद्या है और भूत आत्माओं की उपासना क्षुद्र विद्या है। तो देवात्माओं की जो उपासना है, जागृति पूर्वक धम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए है। देवात्माओं देवात्माओं की उपासना बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए तथा भूतात्माओं की जो उपासना है वो केवल भौतिकता के लिए प्रसिद्ध है। सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव से ही संपन्न हैं, यही उनकी प्रतिष्ठा है और इससे अधिक उनमें से स्वभाव का प्रकटन संभव नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि जो केवल भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अनुभव विचार व्यवहार रूपी जो चार आयाम हैं वो भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं और इसीलिए मानव जब उत्पादन व्यवहार विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण ना हो जाए तब तक प्रयोग प्रयास एवं अभ्यास के लिए बात है। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है कि दिव्य आत्माओं की उपासना में क्या प्रत्यक्ष फल है या क्या उपलब्धि है। तो फिर इसमें बताया कि दिव्य आत्माओं की उपासना में विवेकपूर्ण विज्ञान, तप, निश्चय, निर्णय और संकल्प की क्षमता की उपलब्धि होती है और इसी को हम कह रहे हैं कि ये उनकी उपासना का प्रत्यक्ष फल है। देवताओं की उपासना से अर्धविवेक, अर्धविवेक विज्ञान, धैर्य, साहस, स्नेह, विश्वास, त्यागमय तथा जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रण, संयम पाया जाता है। यही देव उपासना का प्रत्यक्ष फल या देव उपासना की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। भूत आत्माओं की उपासना से अविवेक पूर्ण विज्ञान, जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो विज्ञान का अविवेक पूर्ण प्रयोग हुआ उसके कारण से किस तरीके से अव्यवस्था और समस्या प्रदूषण आदि फैल गया और यह मानव के लिए संहारक हो गया। तो भूत आत्माओं की उपासना से अवेक पूर्ण विज्ञान, अधैर्य, दुस्साहस, राग द्वेष, सशंकता तथा अनियंत्रित जीवन क्रियाकलाप पाया जाता है। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि ये तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप क्रम से सजगता, सतर्कता, पूर्ण यानी निर्भ्रांतता को जागृति,
सतर्कता पूर्ण भ्रांता भ्रांत स्थिति को है ना, और अजागृति असंग प्रसंगता सहित स्थितियों में दृष्टव्य है। तो ये तीनों की उपासनाओं से निर्भ्रांत भ्रांता भ्रांत और भ्रांत ये तीन स्थितियां जो है दृष्टव्य हैं। फिर मैंने एक अनुभव दर्शन का एक सूत्र आपको बताया था कि भ्रांत इकाइयाँ चार विषयों के भोग के लिए हैं। चार विषय मतलब आहार निद्रा भय मैथुन। भ्रांता भ्रांत इकाइयाँ तीन ऐषणाओं के योग के लिए हैं। तीन ऐषणाएँ मतलब पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा तथा निर्भ्रांत इकाइयाँ ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। फिर इसके बाद अगला सूत्र है यही निर्भ्रांत भ्रांता भ्रांत एवं भ्रांत अवस्थाएं हैं, इसीलिए है ना, इसीलिए उपासना में जो प्रमुख शिष्टताएं हैं यानी जो आचार है शिष्टताओं को लिखा है कि वो आचार के रूप में रहती हैं, वो दो प्रकार से गण्य हैं। इन्हीं दोनों शिष्टता विशिष्टताओं के मूल में यानी जो भी हम उपासना के लिए शिष्टताओं को अपनाते आए हैं या अपनाते हैं है ना, तो उनके मूल में मौलिक आहार की वैविध्यता कारण है। और ये जो मौलिक आहार है इसकी वैविध्यता को दो प्रकार से बाबा जी ने लिखा है, पहला शाकाहार और दुग्धपान और दूसरा लिखा है मांसाहार और मद्यपान। तो परंपरा को भी यदि हम देखते हैं तो इसके आधार पे जो आहार पद्धतियां हैं इसके आधार पे भी जो उपासना की शिष्टताएं हैं उनमें भेद दिखता है। कुछ उपासनाएं ऐसी रही हैं परंपरा में जिनको हम परंपरागत उपासनाएं कह रहे हैं, उसमें मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग होता रहा है। जैसे हम लोग एक वामाचारी परंपरा में पंच मकार साधना जिसको बोलते हैं उसमें मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जैसे हिंदू सनातन परंपरा में भी बहुत सारी जो है उपासना की पद्धतियां प्रचलित रही हैं जिनको हम लोग प्रतीक उपासनाएं भी बोलते हैं है ना। बाबा जी ने लिखा है कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है तो इसलिए उससे उपलब्धि के रूप में तो बहुत कुछ उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ऐसी उपासनाओं के भेद के कारण से बहुत सारे जो है मत और संप्रदाय बन जाते हैं। और उन मत संप्रदायों में उपासना की जो विशिष्टताएं हैं या विविधताएं हैं या उनकी जो कर्मकांड हैं या उनमें जो शिष्टताएं हैं, मतलब शिष्टता का मतलब है कि उनमें मतभेद रहता है, उसमें वैविध्यताएं रहती हैं। तो ये जो वैविध्यताएं हैं इन्हीं वैविध्यताओं को हम उपासना यानी जो उपास्य है जिसको अभी परंपरा में यदि देखेंगे तो उसको हम प्रतीक बोल रहे हैं या ईष्ट बोल रहे हैं ना, वो तो प्रतीकात्मक जो ईष्ट होते हैं उनके प्रति गौरव आदर अर्पण समर्पण पूजा पूज्यता का प्रदर्शन प्रक्रिया में हमको ये सब वैविध्यताएँ दिखती हैं और इनके साथ आहार की विविधताएँ भी जुड़ जाती हैं जिसको अपन ने शाकाहार दुग्धपान और मांसाहार मद्यपान कहा। फिर ये जो वैविध्यताएं हैं यही वैविध्यताएं मत व संप्रदाय के रूप में प्रत्यक्ष जिनको हम लोग परंपरा में देखते हैं। और इसका साक्ष्य क्या है तो वर्ग भावनाएं वो सीमाएं हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि इसके फलस्वरूप खंड समुदाय की प्रतिष्ठा होती है जिसको हम लोग समुदाय चेतना भी कहते हैं। तो कई बार एक ही समुदाय में अन्य बहुत सारे खंड खंड बन जाते हैं, यही सामुदायिक अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है। और फिर ये लिखा है कि यही वर्ग संघर्ष है और अंतत्व गत्वा यही समरोन्न मुक्ता है, मतलब युद्ध की ओर लड़ाई झगड़े हिंसा की ओर जो प्रवृत्ति है उसके मूल में भी यही है। फिर इसके बाद ये भी लिखा है कि आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है, क्योंकि ये जब मानव समाज वर्ग भावना में पड़ा रहता है वर्ग भावना से ग्रसित रहता है उस स्थिति में वो अपने वर्ग के लिए ही आर्थिक कार्यक्रम को चुनता है
और इसलिए मानव समाज में आर्थिक विषमताएं जो हैं वो देखने को मिलती है, और आर्थिक विषमता के कारण से भी वर्ग संघर्ष और युद्ध लड़ाई झगड़े आदि जो है वो मानव परंपरा में देखने को मिलते हैं। तो ये जो उपासनाओं की जो विविधता परंपरा में रही है उसकी जो उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि की यदि समीक्षा करते हैं तो समीक्षा करने में यही आता है कि उसने वर्ग भावनाओं को जन्म दिया, उससे विषमताएं आई, और इन विषमताओं में आर्थिक विषमता भी एक कारण है, और इसके कारण से वर्ग संघर्ष और संग्राम या समरोन्मुखता जो है वो हमको देखने को मिलती है। अब जो ये ऐसी स्थिति है इसका समाधान क्या है? तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसका समाधान धार्मिक आर्थिक राजनीतिक नीति त्रय में ही है, क्योंकि यह सार्वभौमिक है। तो धार्मिक नीति का मतलब होता है सदुपयोगात्मक नीति, और सदुपयोगात्मक नीति विधि पूर्वक है ना। इसी तरीके से आर्थिक नीति उत्पादन की नीति है जो विधि पूर्वक है। इसी तरीके से जो राजनीति है जिसको हम सुरक्षात्मक नीति कहते हैं वो भी विधि पूर्वक है। तो जो नीतियां हैं वो विधि से संबद्ध रहती है ना। तो इस तरीके से यदि नीति त्रय का आचरण मानव करता है ना, तो इससे जो ये वर्ग भावनाएं हैं, समरूपन मुक्ता है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, युद्ध की प्रवृत्ति है, या समुदाय चेतना है, उसका समाधान हो सकता है या समाधान है, ऐसा लिखा हुआ है ना। क्यों है? क्योंकि ये सार्वभौमिक है। इसके बाद लिखा है कि ये जो शाकाहार मांसाहार के भेद को स्पष्ट करने के लिए, फिर अगला सूत्र जो इस किताब में 36 पेज पे है ना, पेज नंबर नई वाली किताब में पेज नंबर 36 में है कि रासायनिक द्रव्यों की संगठित शरीर रचना जिसमें मेधक समाहित रहता है उसी से मांस पदार्थ है। तो मांस पदार्थ चाहे वो जीव शरीर हो, चाहे जो भी शरीर हो, मानव शरीर हो, तो मांस पदार्थ जो है रासायनिक द्रव्यों से जो गठित शरीर रचना है उसमें मेधस भी शामिल है, उसी से मांस पदार्थ है। और वनस्पतियों में से जो शाक पदार्थ उपलब्ध है, तो वनस्पतियों में शाक पदार्थ है, और वनस्पतियों से ही मानव के आहार के लिए शाक पदार्थ उपलब्ध है। फिर बाबा जी लिख रहे हैं कि इन दोनों में रासायनिक मूल्य जो है वो अधिकांशतः समान पाया जाता है। फिर ऐसे रासायनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी जो मांस तत्व है और जो शाक बिंब की जो रचना प्रक्रिया और उपयोग है, या मांस शरीर का जो रचना यंत्रीकरण और उसका उपयोग है, उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें मौलिक भेद है, मौलिक अंतर है। और उस मौलिक अंतर को कल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था, मैं आज एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा कि जो मांस शरीर है, मांस पदार्थ है, उसका जो बीज है वो अंडज पिंडज है, और जो शाक पदार्थ है वो उद्भिज है। फिर लिखा कि जो मांस पदार्थ का जो प्रयोजन है वो चैतन्य इकाई का आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम है, जबकि जो शाक बिंब है वो औषधि और आहार का माध्यम है मानव के लिए या जीवों के लिए भी। फिर इसमें जो यंत्रीकरण है, मांस जो पदार्थ है उसमें यंत्रीकरण है, यंत्रीकरण पूर्वक ही अंग अवयवों का विकास होता है, और मेदस भी उसी से बनता है। मेदस भी है ना मांस पदार्थ के यंत्रीकरण पूर्वक ही मेदस समृद्ध होता है, विकसित होता है, या उसकी रचना होती है। तो यंत्रीकरण जो है मेदस सहित शरीर रचना है, जबकि शाक बिंब में मेदस विहीन जो है ना रूप और रचना है। फिर जब इनकी उपयोगिता को समीक्षित करते हैं तो जो मांस पदार्थ है या मांस शरीर है वो चैतन्य इकाई संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग है। मतलब जो मांस शरीर है उस शरीर का जो उपयोग है वो चैतन्य इकाई आस्वादन क्रिया में करती है, जबकि जो शाक बिंब है वो चैतन्य के संचालन के लिए अयोग्य, लेकिन उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य है, ऐसा जी।
फिर इसके बाद अवसर की दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो मांस पदार्थ है वो चेतन निकाय के संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन के लिए अवसर है, क्योंकि तो यदि शरीर रचना नहीं है तो जो चैतन्य में संस्कार परिवर्तन और परिमार्जन का अवसर नहीं है, इसलिए जो मांस पदार्थ की जो प्रयोजनीयता या उपयोगिता है ना, वो इस अर्थ में चैतन्य के परिमार्जन परिवर्तन एवं उसमें संस्कार के लिए एक अवसर है, जबकि जो शाक बिंब हैं उनसे रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है। तो ये एक मौलिक भेद को यहाँ अंतर किया, इसी तरीके से दूध और मद्य के मौलिक भेद को भी अंतर किया। तो ये कहा कि जो दूध की उत्पत्ति है वो जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। तो यहाँ पे जीव शरीर लिखा है लेकिन ये मानव में भी है ना, तो केवल जीव शरीर में नहीं है, मानव में भी है। तो दूध की जो उत्पत्ति है वो शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। इसमें ममता महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि जो अल्कोहल है जिसको हम लोग मद्य कह रहे हैं तो मद्य जो है मधुरता सहित जो वस्तुएं हैं, जैसे हम जिन का शराब बनाते हैं वो ज़्यादातर मधुर द्रव्य होते हैं, जैसे गन्ना है, अंगूर है, इस तरीके से जो महुआ है, तो ये मधुर यानी मीठे और सुगंधित है ना, ऐसे वस्तुएं होती है। लेकिन इनसे मद्य बनाने की प्रक्रिया में इनका फर्मेंटेशन होता है, यानी विकारभूत प्रक्रिया है, यानी उसको हम जब फर्मेंट करते हैं यानी विकृत करते हैं ना, और फिर वो जो विकृत प्रक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसका आस्वीकृत करके जो रस बनाते हैं उससे मद्य जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो विकारपूत है, जबकि दूध में जो प्रक्रिया है वो ममतापूर्वक है ना, आहार पाचन पूर्वक और ममता सहित है। फिर उपयोगिता की बात कही है तो ये लिखा है कि मानव शरीर के लिए दूध जो है पुष्टि प्रदायी पोषक स्निग्ध त्राणक प्राणक एवं हृदय तथा मेदस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। तो ये कहा कि मानव शरीर के लिए जो दूध है वो पोषक है, स्निग्ध है, त्राणद है, त्राणद मतलब स्फूर्ति देने वाला है, प्राणद है यानी प्राणवायु को पुष्ट करने वाला है, तथा हृदय एवं मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। तो ये दूध का जो उपयोगिता है और उसका जो गुण है उसको यहाँ पे बताया, जबकि मद्य के बारे में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि औषधि के रूप में उपयोगी है, पेय के रूप में त्राण प्राण शोषक और पुष्टिहर है ना, यानी वो स्फूर्ति का भी नाश करता है, प्राण जो प्राणवायु है उसका शोषक है, और जो पोषण की क्रिया है उसका हरण करता है। और इसके बाद ये भी लिखा है कि वो भ्रम भ्रांति उत्तेजना का कारक है। तो इसके अलावा वो क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, और हृदय व मेधस का असंतुलनकारी द्रव्य है। तो ये भी एक अंतर को यहाँ पर रेखांकित किया गया। जो प्रभाव है वो सामान्य गतिदायी व पोषकदायी है, जबकि मध्य का जो प्रभाव है वो आवेश पूर्ण गति प्रदायी है ना। फिर उपादेयता के बारे में लिखा है कि जो दूध की उपादेयता है वो संवेदनशीलता का वृद्धिकारी तथा पोषक तत्व है। तो संवेदनशीलता जो क्रिया है वो मानव शरीर में जो इंद्रियों का जो क्रियाकलाप है उसके अर्थ में पहचानने में आती है, तो उसमें वो वृद्धिकारी है, मतलब वो इंद्रिय संवेदनाओं की सक्रियता को बनाए रखने में उसके पोषण में दूध सहायक है, जबकि जो मद्य है वो उसके लिए वो क्षयकारी है और शोषक है, मतलब जो इंद्रियों का क्रियाकलाप है उन क्रियाकलाप में या इंद्रिय क्रिया है या इंद्रिय क्रिया का जो व्यवसाय है उसमें उसको वो क्षय करता है और उसका शोषण करता है। और इसके बाद अंत में लिखा है कि
मानवीय और अति मानवीयता की सीमा में दूध को अनिवार्य बोला है ना। उसकी जो अनिवार्यता जो है मानवीयता और अति मानवीयता की सीमा है। अमानवीयता की सीमा में जो मध्य है वो अमानवीयता की सीमा में है, यानी मानवीयता अति मानवीयता में मध्य का प्रयोग पेय के रूप में नहीं है, है ना। और फिर इसीलिए कहा कि अमानवीय सीमा में भी ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्य है ना। तो ये एक अंतर को भेद को जो है यहाँ स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद लिखा है मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध एवं शोषण की घटना समाई रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ उपासनाएं ऐसी होती ना जिसमें बलि दी जाती है ना, तो बलि दी जाती है तो वो एक प्रकार की उनकी उपासना की शिष्टता है। तो उस शिष्टता में बलपूर्वक वध की घटना शामिल है और मांसाहार में भी है। जो लोग मांसाहार करते हैं उसमें भी जीव जंतुओं का बलपूर्वक वध करते हैं और यह एक प्रकार से उनका शोषण है ना। तो ये दोनों घटनाएं समाई रहती हैं। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी व मांसाहारी मानव में अमानवीय, यदि जिसको हम लोग भ्रमित मानव परंपरा कहते हैं या जिसको हम अमानवीयता कह रहे हैं, तो अमानवीयता में दोनों प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, शाकाहारी मांसाहारी। और शाकाहारी मांसाहारी में शिष्टता आचरण व्यवहार और पद्धति की विविधता की स्थिति रहते हुए, यानी उनकी शिष्टता आचरण व्यवहार प्रवृत्ति की विविधता रहती है लेकिन प्रयोजन की स्थिति प्रधानतः साम्य रहती है। यानी ये जो आहार की विविधता से जो अमानवीयता का जो प्रयोजन है वो परिवर्तित नहीं होता, उसमें साम्यता बनी रहती है ना। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि जीव चेतना ही बनी रहती है, यानी दीनता हीनता क्रूरता का जो है स्वभाव बना रहता है और उनमें जो अनुसंगीयता है वो अव्यवस्था के रूप में अनिश्चित आचरण के रूप में बनी रहती है, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी, है ना। फिर इसके बाद ये लिखा है कि इसलिए यह तथ्य स्पष्ट है कि जब मानवीयता अध्ययन गम्य होती है यानी समझ में आती है तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों मानवीयता के पक्ष में सहमत हो जाते हैं। तो ये निग्रह बिंदु है ना। तो मांसाहार और शाकाहार का जो निग्रह बिंदु है वो मानवीयता है। तो मानवीयता के पक्ष में जब सहमत होते हैं ना, उससे समाधानित होते हैं, सहमत होते हैं तब, और जब मानवीयता के साथ निष्ठान्वित होते हैं, निष्ठान्वित होने का मतलब होता है कि अब उसको जीना है ना, जीने में प्रमाणित करना है, तो निष्ठान्वित होते हैं तब मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। हम में से शायद कुछ लोगों को अपन ने देखा भी है कि अपने साथ में कुछ लोग मांसाहारी थे, वो धीरे धीरे शाकाहारी हो गए, है ना। तो मानवीयता के तर्क से सहमत होके, अभी मानवीयता का प्रमाण आया कि नहीं आया, लेकिन उसके तर्क से भी सहमत होने के बाद मांसाहारी शाकाहारी हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला वाक्य है जागृत मानवीय शिष्टता में, जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। तो जो परस्पर प्रत्याशाएं हैं वो भी जागृत मानवीय शिष्टता में साम्य रहती हैं और परस्पर विश्वास भी साम्य रहता है। विश्वास तो वैसे भी साम्यता ही होता है। फिर है यही सत्यता एक बिंदु है जहाँ समस्त प्रकार की शिष्टताएँ मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यही एक बिंदु है, सत्यता का बिंदु है कि जहाँ समस्त प्रकार की शिष्टताएँ, यहाँ पर शिष्टताएँ मतलब आचार पद्धतियों को, कर्मकांडों को या मान्यता पूर्वक जो उपासना पद्धति हैं उन सारे समस्त प्रकार की शिष्टताएँ जो हैं वो मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं, है ना। और इसकी थोड़ी सी आगे भी चर्चा आई है, अभी जब अपन प्रतीक जो उपासनाएँ हैं उनकी चर्चा करेंगे तब और भी इस पर विस्तार से यहाँ बात होगी। फिर इसके बाद लिखा है कि ये जो
मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित है। उसके बाद लिखा है कि यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है ना। इसके बाद लिखा है मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में मांसाहार शाकाहार की मौलिकताएं या मौलिकता स्पष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हीनता दीनता क्रूरता उसे स्वीकार नहीं होती है। तो मानव में जो शिष्टता की एकात्मकता है यानी वैविध्य विहीनता है वह मानवीयता की सीमा में ही प्रतिष्ठित हो जाती है। इसीलिए उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है। तो जो उपासना में यदि सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन नहीं होता है ना, उस स्थिति में उसकी उपादेयता जो है वो सिद्ध नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है, यानी उपासना की जो प्रधान उपादेयता जो है उसकी यहाँ पे बात की। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि जो प्रतीक है वो प्राप्ति नहीं है। तो प्राप्ति क्या है? तो प्रतीक जो है वो सभी सत्य में से के लिए ही हैं, सारे प्रतीक जो है सत्य में से के लिए हैं। और इसीलिए जो प्राप्ति करने वाली जो वस्तु है वो सत्य है, सह अस्तित्व है, सार्वभौमिकता है ना, जिनको हम लोग सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में भी पहचानते हैं। तो यही उपासना का मूल प्रयोजन है। इसके बाद है जिन उपासना पद्धतियों के द्वारा उत्पन्न शिष्टताएँ मानव में वर्ग भावना को स्थापित करती हैं वे सभी अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं हैं, क्योंकि अंततो गत्वा वर्ग भावना समरुन्मुखी ही है। तो जो हम लोग अभी परंपरा में जो उपासना पद्धतियों को अपनाए थे और उसके आधार पे जो शिष्टताएँ थी, तो उनकी समीक्षा करने पर मध्यम दर्शन से अस्तित्व बात की रोशनी में उनकी समीक्षा करने पर ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे मानव में वर्ग भावनाएं जो है स्थापित होती हैं। और यदि वर्ग भावनाएं हैं तो अभ्युदय के लिए ये सहायक नहीं है। वर्ग भावनाएं हों मानव परंपरा में और मानव परंपरा का उद्भव हो, मानव का उद्भव हो, ऐसा संभव नहीं है, है ना। इसलिए अभ्युदय में पूर्णतः ये सहायक नहीं वर्ग भावनाएं, क्योंकि अंततो गत्वा वर्ग भावनाएं समरोन्मुखी हैं, मतलब वो युद्ध लड़ाई हिंसा है ना द्वेष इसी में लगी रहती हैं, है ना। तो इसीलिए इसको कहा कि इससे जो उपासना का जो मूल प्रयोजन है वो पूरा नहीं होता है। फिर इसके बाद एक सूत्र है समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। तो समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। यदि सार्वभौमिकता यानी अखंड समाज और सार्वभौमिकता यानी सार्वभौम व्यवस्था, और सार्वभौमिकता का मतलब है मानव में मूल्यों की सार्वभौमता, है ना। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो न्याय धर्म सत्य आदि जो दृष्टियाँ हैं वो सार्वभौमिक दृष्टियाँ हैं, क्योंकि उसमें भेद नहीं है, है ना। फिर आगे लिखा है इसलिए समस्त उपासनाओं के मूल में लक्ष्य सामने है, है ना। यदि हम इसको मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद की रोशनी में देखते हैं तो सभी प्रकार की उपासनाएं जो तीन प्रकार की खास मूल रूप से बताई गई हैं उनका लक्ष्य सामने है। और वो लक्ष्य क्या है? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। यह केवल सर्व मंगल ही है। तो सर्व मंगल का कल जो है परिभाषा बताया था। सर्व मंगल का मतलब है मनुष्य में चारों आयाम और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता तथा विषमता, है ना। इसको सर्व मंगल कह रहे हैं। यह केवल सर्व मंगल ही है। सर्व मंगल का मतलब है कि जो सर्व मंगल है यानी चारों आयाम पांचों स्थितियों में एक सूत्रता तथा निर्विषमता है। सर्व मंगल कामना के बिना स्वयं का मांगल्य है ना सिद्ध नहीं है। इसी को मैंने कल भी बोला था कि सर्व सुख में व्यक्ति का सुख है, है ना, सर्व सुख में मानव का सुख है ना। इसी को कह रहे हैं कि सर्व मंगल में स्वयं का मांगल्य है,
स्वयं के मांगल्य का मतलब है, मांगल्य को बाबा जी ने ऐसा परिभाषित किया है, जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, जागृति मंगल, अनुभव मंगल, इस रूप में लिखा है। तो जीवन का मंगल जो है जीवन में समझदारी संपन्नता का आ जाना, उदय मंगल का मतलब है समझदारी के आधार पे जीने लगना, समाधान मंगल का मतलब है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरात्मा समाधान का स्थापित हो जाना, जागृति मंगल का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है ना मानव परंपरा का बन जाना है ना। तो अखंड समाज जब सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है उसी का नाम अनुभव मंगल है। इस तरीके से हम लोग मांगल्य को पहचानते हैं और मांगल जो है वो सर्व मंगल कामना के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ अध्ययन किया, अब आगे सुनीता जो है अपनी प्रस्तुति करेंगे। नमस्कार। यहाँ पर अभी तक पाठक जी ने आपके सामने जो प्रस्तुति रखी उसमें जिस प्रकार की विविधताएं हैं और जिन विविधताओं से जो भी कुछ वर्ग भावनाएं और समर जो समरोन्मुखता है, ये जो युद्ध की स्थितियां हैं हमारे बीच में परिवार से लेकर समाज और अंतर्राष्ट्र तक, उनके निवारण जो इसलिए नहीं हो पाए कि हम जीवन के रूप में मानव जो है स्वयं को समझ नहीं पाया। तो समस्त उपासनाओं के मूल में यदि लक्ष्य साम्यता नहीं होती है तो फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मानव का पहचान भी नहीं हो पाती है। तो मानव जाति जब तक एक रूप में अपने को मानव के रूप में नहीं पहचानेगी तब तक जाति संप्रदाय मत पंथ रहेंगे ही, और जाति संप्रदाय और मत पंथ के रहते हुए हम यदि ये कामना करते हैं कि हम सब सुखी हो जाएं और निरंतर सुखी हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आगे की जो प्रस्तुति है दर्शन में उसमें में कहा जा रहा है कि अन्य काम में कामनाएं केवल मंगलमयता की भास प्रदायी हैं, ना कि अनुभवदायी। इसलिए सर्व मंगल कामना रूपी कार्यक्रम तथा उसकी अनुसरण योग्य क्षमता पर्यंत मानव प्रयास करने के लिए बाध्य है। जैसा कि शरीर मूलक विधि से मानव अभी तक जिया है और इसीलिए जो जाति रंग मत पंथ नस्ल संप्रदाय पद धन देश और विचार के आधार पर जो भी विभेद उनके अंदर दिखते हैं मानव के अंदर दिखते हैं वो सारे भेदों से मनुष्य ने सुखी होने का प्रयास किया और वो केवल भास प्रदायी नहीं है। हमको भास होता है जैसे शरीर संवेदनाओं में सुख का भास होता है लेकिन उससे सुख की निरंतरता नहीं होती है। ये मध्य दर्शन के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि शरीर संवेदना या इंद्रिय सुखों में सुख की निरंतरता नहीं है। इस निश्चय की पहचान जब मानव कर पाता है तब वह लक्ष्य की साम्यता की पहचान भी कर पाता है कि समस्त मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व है और जीवन जो है समस्त जीवनों का लक्ष्य सुख शांति संतोष और आनंद है। इन लक्ष्य के अर्थ में जब मानव प्रयास करता है तब जाकर सभी मानवों में एक सूत्रता स्थापित होती है और जितनी भी काम में कामनाएं हैं हमारी समरसता से जीने की व्यवस्था में जीने की स्वयं प्रमाणित होने की वो पूरी होती हैं। तो सार्वभौमिक मानवतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय बौद्धिक सामाजिक एवं प्राकृतिक के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्त होने की संभावना एवं मुक्ति है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन हो जाती है। इसलिए उपासना अभीष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होता है जो जाग रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सार्वभौमिक मानवतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के पालन पूर्वक है ना बौद्धिक नियम सामाजिक नियम। बौद्धिक नियम असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभयता के रूप में है। सामाजिक नियम स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में है और प्राकृतिक नियम ऋतु संतुलन और खनिज संतुलन के रूप में है। के आचरण पूर्वक मानव इन नियमों के आचरण में रहते हुए ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्ति होने की उनमें संभावना है और मुक्ति भी है, दोनों ही है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन होती है। यदि हम मानव को मानव के रूप में नहीं पहचानेंगे और मानव मानसिकता से हम संपन्न होकर के लक्ष्य साम्यता के साथ नहीं रहेंगे तो हम मानव में
जो भी वर्ग भावना है वो समाप्त नहीं होंगी। वर्ग भावना का विलीन होना केवल मानव मानसिकता में ही संभव है, लक्ष्य साम्यता के साथ ही संभव है। इसीलिए उपासना अभीष्ट समझदारी ही है, जो जागृति पूर्वक सार्थक होता है इसी को ही जागरण कहा गया है। जागृति मानव का अभीष्ट है। क्यों अभीष्ट है? क्योंकि मानव एक इकाई है, व्यवस्था की एक इकाई है, और जागृति से कम में वो तृप्त होती ही नहीं है, और जागृति के प्रमाण से कम में जागृति की पहचान होती रही है। इसीलिए आचरण ही प्रमाण यहाँ पर कहा गया है, आचरण ही संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण संप्रेषणा और संपूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियाँ क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान शक्ति हैं जो उनकी अहर्ताएं हैं। प्रत्येक अहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता जागृति पर आधारित पाई जाती है। मानव में शक्तियाँ क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति के रूप में ही मध्य दर्शन में प्रस्तावित हैं। इनकी चर्चा हमारे परंपरागत जो शास्त्र हैं या धर्म हैं उनमें भी कहा गया है। मुझे तो हिंदू धर्म का ही ज़्यादा मालूम है, मुझे और अन्य धर्मों का इतना परिचय नहीं है मुझे तो। पर इस प्रकार से इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति हम कहते हैं कि हमारी इच्छा जो है अभी वो प्रबल नहीं है, ये इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते ही हैं। तो समस्त मानव में क्रिया शक्ति है ही, क्योंकि वो जीवन भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रिया के रूप में समस्त क्रियाएं हैं, ऐसा मध्य दर्शन में प्रतिपादित है। और इच्छा जो है वो व्यवस्था में जीने की, प्रमाणित होने की इच्छाएं हैं, जो सूक्ष्म कारण होती है वृक्षा के रूप में, अभी हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा। और ज्ञान जो ज्ञान शक्ति है, शक्ति मतलब जो स्वभाव गति है। तो हर एक इकाई स्वयं व्यवस्था में रहते ही हुए ही स्वभाव गति में रहती है। मानव स्वभाव गति में क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं व्यवस्था को नहीं पहचानता है। तो मानव में एक शरीर व्यवस्था है और एक जीवन व्यवस्था है, इन दोनों के योगफल में मानव जो है वो स्वयं प्रमाणित होता है। तो अहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता पर आधारित पाई जाती है, मतलब जागृतिशीलता और जागृति पर। जागृतिशीलता में पशु मानव, राक्षस मानव है, जो हमने अभी पिछले अध्याय में देवात्मा, भूतात्मा और दिव्यात्मा के रूप में हमने पहचाना था। और ये सब जब शरीर छोड़ देते हैं तो देवात्मा और भूतात्मा और दिव्यात्मा के रूप में रहते हैं, और शरीर में रहते हुए ये पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में रहते हैं। तो इसलिए जितनी में जागृतिशील है या जागृत है, बस ये दो ही स्थितियां हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। जागृत होने के बाद जागृति पूर्ण तक गति है, जो गति का गंतव्य है। जागृतिशीलता के लिए उपासनाएं हैं, ना कि त्रास की। ये सारी उपासनाएं जो है जागृतिशीलता पूर्वक जागृति तक पहुंचने के लिए है, ह्रास के लिए नहीं है। ह्रास की जो पहचान मानव ने रचना विरचना के रूप में की है, वो मूलतः मध्य दर्शन के प्रस्ताव के अध्ययन के बाद ये समझ में आता है कि वो ह्रास जो है रचना विरचना के रूप में है, क्योंकि रचना का विरचन विरचना होती ही है, ये अस्तित्व में व्यवस्था है। तो वो ह्रास भी विकास के लिए है अंततो गत्वा, लेकिन मानव में जो ह्रास है वो उससे जो है वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानव में केवल जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता, ये तीन स्थितियां ही हैं। इसलिए इन तीन स्थितियों के लिए तीन प्रकार के उपासनाएं और उनके कार्यक्रम, उनके जो जिसमें तादाद में रहते हैं, तो भूतात्मा भौतिक तत्वों में तादाद में रहते हैं, देवात्मा भौतिकता में तादाद में रहते हैं, और दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तादात्म पाई जाती हैं। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है, यही जीवन का संगीत एक सूत्रता है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो दुख है। मूलतः दुख क्या है? तो क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास, मतलब जो क्रिया का जो गंतव्य है उसको नहीं पहचानना, उसकी प्रक्रिया को नहीं पहचानना, इस कारण से संपूर्ण ह्रास है, जो अक्षमता है हमारी। हमारी क्षमता क्या है? जागृति पूर्णता और आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता हमारी क्षमताएं हैं। तो जब तक जो इकाई जिस क्षमता से संपन्न है उस क्षमता में व्यक्त नहीं हो पाती है, वही दुख है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली या हमारा कोई पहचान नहीं हुई, इसलिए इनको हम दुख मान लेते हैं। मूलतः ये दुख नहीं है, ये भ्रम है, क्योंकि हम सुख के मूल स्रोत को नहीं पहचानते हैं। सुख का मूल स्रोत जो है वो समाधान संपन्नता ही है,
जो जाग अनुभव संपन्नता ही है और आचरण पूर्णता ही है। बौद्धिक व्यावहारिक एवं भौतिक पीड़ाएं हैं। ये पीड़ा क्रम से समस्या, अपराध, अक्षमता एवं अपव्यय के रूप में दृष्टव्य है। यही अजागृति का प्रत्यक्ष रूप है। अजागृति की बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब उसको बहुत अच्छे से समीक्षित करके ही इस प्रस्ताव के लिए अध्ययनरत होते हैं, ऐसा मेरे स्वीकार होती है। मुझे लगता है हम सब भी, आप सब ने भी ऐसा ही स्वीकारा होगा, तभी इस दर्शन में निष्ठान्वित होने की योग्यता बनती है, उससे पहले बनती नहीं है। यदि हमने शरीर मूलक जो जीना है मानव का वो समीक्षित नहीं हुआ है तो आगे की ओर गति नहीं होती है। सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है। सतर्कता सजगता मानव इकाई में पाए जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है। मतलब सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही क्लेश का कारण है। सतर्कता मतलब विचार समाधानित नहीं हो पाना, समाधान पूर्व विचार ही सतर्कता है, निर्भ्रांत स्थिति ही सजगता है। इन दोनों में न्यूनता होना ही हमारे सारे दुखों का कारण है, और हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है। सारे दुख बौद्धिक अक्षमता ही है। बौद्धिक अक्षमता अभाव कहलाता है, दुख नहीं कहलाता। वो वहाँ पर दुख हम मान लेते हैं। तो बौद्धिक समाधान के साथ हम निर्भ्रमता पूर्वक भौतिक जो अभाव है उसकी भी पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है। सतर्कता एवं सजगता मानव इकाई में पाई जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है। इसलिए अब क्या आगे का मार्गदर्शन है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा शक्ति का अपव्यय ना होना, साथ ही सदव्यय होना ही क्रिया शक्ति का जाग है। मानव में तीन जो अहर्ताएं हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, उन अहर्ताओं को कैसे जागृत, कैसे पहचानेंगे हम, उसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना होना, साथ ही सदव्यय होना। अपव्यय कब होता है? जब हमारे समाधान में न्यूनता रहती है, निर्भ्रमता में न्यूनता रहती है, तब ये अपव्यय रहता है। समाधान होते ही निर्भ्रमता में, समाधान पूर्वक निर्भ्रमता पूर्वक ही हम शक्तियों के सदव्यय में नियोजित, अपने तन बंधन को नियोजित कर पाने में सक्षम होते हैं। सदव्यय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता की सीमा में नियम त्रय के रूप में है। ये बार 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 जो भी मध्य दर्शन का प्रस्ताव है, क्योंकि ये तीन ही जो अहर्ताएं हैं ये तीन नियमों से ही पूरी हो जाती हैं। वो क्रिया शक्ति की जो अहर्ता है वो नियम त्रय से पूरी हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। जो जो नियम बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में, जिसको मैंने अभी पूर्व में उल्लेख किया है। अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा, विचार, इच्छा और रितंबरा का अपव्यय ना होना मानव चेतना, अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है, यही सदव्यय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। मतलब अंतःकरण की मूल प्रवृत्तियां क्या है? तो आशा, विचार, इच्छा और रितंबरा का अपव्यय ना होना, अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है, यही सदव्यय है। अति मानव जो स्वभाव है, अति मानवी जो पशु मानव राक्षस से ऊपर या मानव से ऊपर भी जो अति मानवी स्वभाव है, जिसको कि हम देवता के रूप में पहचानते हैं, वह उसमें ही दिव्य मानवीयता में ही सदव्यय की पहचान पूर्ण रूप से हो पाती है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। विधि को यहाँ पर व्यवस्था में जो सहस्तित्व है उसमें जो व्यवस्था पूर्वक आचरण है वही विधि है, उसकी ही पहचान यहाँ पर देखी गई है। जो व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज आचरण, कार्य व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, यही विधि है। तो विधि को हम इस प्रकार से पहचानते हैं। और जो दिव्य मानव है वो अति मानव इस प्रकार से व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज आचरण पूर्वक ही व्यवस्था में भागीदारी करके सदव्यय का प्रमाण देते हैं। सम्यक
सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है, यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय मानवीयता एवं अतिमानवीयता में प्रत्यक्ष है। यही मानव जीवन में की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है। यही समग्र मानव की कामना है। यही सर्व मंगल है। सम्यक बोध, सम्यक बोध को कहा गया है सर्व मानव के रूप में समान रूप से प्रमाणित जो होता है उसको सम्यक बोध कहा गया है। तो जब हम लक्ष्य साम्य हो जाएंगे, जब हम आचरण साम्य हो जाएंगे, तो लक्ष्य साम्य होने से सभी को एक जैसा ही बोध होता है। जिसको भी व्यवस्था बोध के रूप में, स्वबोध के रूप में, सत्य बोध के रूप में और आत्मबोध और स्व व्यवस्था बोध इस रूप में यहाँ पर कहा गया है, स्वबोध, सत्य बोध, व्यवस्था बोध, न्याय बोध और धर्म बोध, ये चार प्रकार के बोध, पांच प्रकार के बोध सभी मानव इकाइयों में पहचाने गए हैं मध्य दर्शन में। इनकी साम्यता पूर्वक ही सभी मानव के जो आचरण में एक सूत्रता या एक जैसा, क्योंकि जब मानव अपने स्वत्व को पहचान जाता है तो सभी मानवों का स्वत्व समान है। स्वत्व समानता के आधार पर ही मानव जाति समान पहचानी गई है मध्य दर्शन में। तो सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन की क्षमता है। सम्यक बोध होने के उपरांत ही अनुभूति पूर्ण होती है, अनुभव की पहचान होती है और यही ज्ञान क्षमता मानव में पाई जाती है। तीन प्रकार की हर्ताएं मानव में हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इनका प्रकटन या पहचान कैसे होती है वो यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय मतलब इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यह जागृति त्रय जो है मानवीयता एवं अतिमानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है, जो देव मानव और दिव्यपद में प्रत्यक्ष होती है। यही मानव जीवन की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। यही सबसे जो मतलब जो उत्कर्ष कहाँ तक है, क्रिया का विकास कहाँ तक है, अंतिम विकास कहाँ तक है, तो क्रिया पूर्णता तक, और मानव की जो अंतिम विकास वो आचरण पूर्णता तक ही है। तो चरमोत्कर्ष जो है अतिमानवीयता ही चरमोत्कर्ष है। यहाँ तक इसको कभी कभी बाबा जी बड़े सामान्य रूप से कहा करते थे कि बेटा क्रिया पूर्णता का मतलब होता है जितना समझना है उतना समझ लिया, और आचरण पूर्णता का मतलब है जितना करना है उतना कर लिया। कभी बहुत सामान्य भाषा में वो इस तरीके से हम लोगों के सामने रखा करते थे कि मानव के लिए समझने के लिए जितना है उसका समझ लेना वो क्रिया पूर्णता, और करने के लिए जितना है उतना समझ ले कर लेना आचरण पूर्णता है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है। यही समग्र मानव की कामना है। यही सर्व मंगल है। समस्त उपासना की उपादेयता मतलब जो भी उपासना में मानव तो लगा ही हुआ है आदिकाल से आज तक, अपने स्वरूप को पहचानने के अर्थ में उसने सारी उपासनाएं की हैं, और वो उपासनाएं जो हैं उसकी उपादेयता जो है वो इन तीनों शक्तियों के जागरण पूर्वक ही संपन्न हो पाती है। यही समग्र मानव की कामना है। समग्र मानव जाति जो है वो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पूर्वक ही प्रमाण पूर्वक जी करके तृप्त होने के लिए ही प्रयासरत है। भ्रमित अवस्था में उसका भास आभास उसको होता रहता है जो सूचनाएँ हैं, और जब जीवन में प्रमाणित हो जाती हैं तो वो ज्ञान के रूप में पहचानने में आती है। कोई प्रश्न है क्या? यही सर्व मंगल है। सर्व मंगल को अटल जी ने अभी आपको बताया था कि मानव के चारों आयाम, पांचों स्थितियां एवं 10 सोपानी व्यवस्था में जब वो अवतरित हो जाता है तो अनुभव का प्रभाव कहाँ तक है। हम लोग बचपन में ये सुना करते थे कि अनुभव जो संपन्न मानव जो है वो जाति, भाषा, रंग, नस्ल इन सबसे मुक्त स्थितियों में होते हैं। तो मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को इस तरीके से उस मुक्त स्थिति में नहीं देखा था, और मेरी खोज हमेशा ऐसी ही थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख पाऊँ जो सब इन सभी जो सीमितताएं हैं उनसे मुक्त हो। और बाबा जी के रूप में मैंने उनको देखा, और उन्होंने केवल मतलब उन्होंने अपने को व्यक्त ही नहीं किया, प्रमाणित भी किया, उसके आधार पर दर्शन वाद शास्त्र भी लिखे, उसके आधार पर संविधान भी लिखा। तो व्यवस्था तक जितना कुछ मानव के करने के लिए है उतना सारा कुछ उन्होंने इस दर्शन में प्रस्तावित किया है।
ये पूरा सर्व मंगल का कार्यक्रम जिसकी आशा मानव करता है, अपने हर एक मानव करता है, चाहे वो पशु मानव राक्षस मानव के श्रेणी में ही क्यों ना हो, लेकिन कामना तो उसकी व्यवस्था में जीने की ही रहती है। व्यवस्था की पहचान ना होने के कारण से वो मान्यताओं के आधार पर उनमें विविधताएं प्रकट हैं, जान्यता के आधार पर उनमें विविधताओं का शमन हो पाना अभी इस प्रस्ताव के द्वारा संभावना हमको दिखाई, मुझे तो दिखाई देती है। मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि इस दर्शन में जो भी कुछ प्रस्तावित है वो समस्त मानव जाति की पूंजी है। जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है। यही सतर्कता, अखंड सामाजिकता, प्रबुद्धता, निर्विषमता, सहस्तित्व, शिक्षा, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता है। अब देखिए ये सब होने के साथ कैसे होगा, तो जीवन जागृति का प्रत्यक्ष रूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है। मतलब विवेकपूर्ण विज्ञान, विवेक सम्मत विज्ञान के रूप में मध्य दर्शन में इसको कहा गया है, दर्शनों में जब बताइए तो विवेक सम्मत विज्ञान। तो विवेक क्या है, आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम के रूप में विवेक की पहचान है। तो क्रिया का अध्ययन जो है वो विज्ञान में किया जाता है। तो सारी क्रियाओं, तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, इन पूर्णताओं की पहचान से ही हम विवेक की पहचान कर पाते हैं। और जो समस्त क्रियाएं हैं उनके प्रयोजन की पहचान से हम विवेक में अपने को स्वयं में मानव रूप में या जीवन रूप में पहचान पाते हैं। जीवन रूप में पहचानने से शरीर, मानव शरीर की जो उपादेयता है उसको भी पहचान पाते हैं। इस प्रकार से जीवन शरीर के संयुक्त रूप में जो हम मानव हैं उसको भी हम पहचान पाते हैं, और मानव का जो लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सत्य उसको भी पहचान पाते हैं। इस तो मानव का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए विज्ञान का प्रयोग है। समाधान और समृद्धि के बगैर मानव जो है अपने को संबंधों में निर्वाह में पूर्णतया सक्षम नहीं होता है, और ये जो संबंध का निर्वाह है वही व्यवहार है, और वो व्यवहार परिवार से लेकर के परिवारों की सामरस्यता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक सुदृढ़ होता है। यही तो विवेकपूर्ण विज्ञान, विवेक संपन्नता होने के कारण से, विवेक संपन्नता क्या है तो सतर्कता, सतर्कता क्या है तो तर्क सम्मत विधि से समाधान का प्रमाणित होना सतर्कता है। अब सतर्कता से हमको अखंड सामाजिकता की पहचान होती है। तो अखंड सामाजिकता कैसे सफल होगी, तो समाधान समृद्धि पूर्वक सफल होगी। समाधान समृद्धि के सफल होने की पहचान जो है वो प्रबुद्धता में है। प्रबुद्धता की पहचान होगी सर्व मानव में, सर्व मानव में प्रबुद्धता की पहचान के लिए अखंड सामाजिकता अनिवार्य तथ्य है। और प्रबुद्धता का क्या मतलब है, तो जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन। मतलब जीवन जो जागृत जीवन है वो अपनी अभिव्यक्ति में और संप्रेषणा में, मतलब विचार और व्यवहार और कार्य इन तीनों में, और प्रकाशन मतलब विचार अभिव्यक्ति है, व्यवहार संप्रेषणा है, और कार्य जो है वो प्रकाशन है, इन तीनों के आधार पर वह जो है प्रबुद्धता को मानव समाज में लेकर के जाएगा, उसको सर्वसुलभ करेगा। यदि आचरण नहीं है भाषा के अनुसार तो ये कभी भी संप्रेषित नहीं होता है। तो केवल विचार संप्रेषित होता है किस रूप में, अर्थ रूप में। वो अर्थ मूलतः आचरण ही है, हर इकाई स्वयं में आचरण है, वो स्व सहित व्यवस्था में आचरण पूर्वक प्रस्तुत है। केवल मानव इकाई ही है जो है वो अपने आचरण में प्रस्तुत नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्वयं को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में नहीं पहचान पाती है। तो इस प्रबुद्धता से निर्विषमता, निर्विषमता क्या है तो वैचारिक मतभेदहीनता। यहाँ पर पिछले पाठक जी ने जब बताया था कि ये जो वर्ग भेद हैं उनके कारण से समाज नहीं बन पाया है, क्योंकि सब भेदों में रहते हुए समाज का निर्माण कभी हो नहीं सकता है। यदि विभक्त मानसिकताएं हैं तो विभक्त मानसिकताओं में समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए निर्विषमता पूर्वक ही समाज का निर्माण जो है मानवीय समाज को पहचाना जाता गया है मध्य दर्शन में, और हम सब भी इस विधि से जी करके ही अपने को मानव के रूप में, मानव मानसिकता सहित, मानवीय आचरण सहित
प्रस्तुत कर प्रमाणित हो सकने में समर्थ होंगे। इस निर्विषमता से सहस्तित्व तो प्रमाणित होता है, जो ये जिस प्रकार से मानव फिर परिवार फिर समाज फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, तो ये अनुभव ही जो सहस्तित्व में अनुभव हुआ है उसी की पहचान जो है वो एक सूत्रता के रूप में है, जो जो उपयोगिता पूरकता विधि से इकाइयों के बीच में होता है और नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म शक्ति के रूप में मानव इकाई के रूप में होता है। तो ये नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य की पहचान ही मूल रूप से प्रबुद्धता है। इससे सहस्तित्व परस्परता में जो निर्विरोध सामरस्यता है उसके लिए शिक्षा है ना, वो शिक्षा कैसी होगी, तो वो शिक्षा स्कूलों में भी होगी और परिवारों में भी होगी और आचरण पूर्व तक समाज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक उसकी व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था में उसका पूरा मार्गदर्शन दिया गया है। विधि व्यवस्था, विधि के अर्थ में जो नीति का निर्वाह है वही विधि व्यवस्था है। तो ये विधि व्यवस्था कहाँ तक जाएगी, तो 10 सोपानी व्यवस्था तक जाएगी और उससे विधि व्यवस्था से सभ्यता। सभ्यता क्या है, तो परिवार मूलक मानवीय व्यवहार ही सभ्यता है। और संस्कृति क्या है, तो मानवीयतापूर्ण परिवार व्यवस्था और समाज में भागीदारी ही संस्कृति है। तो जब हम संस्कृति को विचार रूप में देखते हैं तो वो संस्कृति कहलाती है और वो विचार भागीदारी के अर्थ में विचार का प्रमाण ही नहीं होता। तो व्यवहार प्रमाण आचरण प्रमाण ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। और बौद्धिक समाधान क्या है, तो बौद्धिक समाधान जो है पांचों स्तर पर बौद्धिक समाधान, पांचों स्तर मतलब व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, इस प्रकार से बौद्धिक समाधान है। और भौतिक समृद्धि क्या है, तो जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा, ये बौद्धिक समृद्धि है। और जीवन जागृति की निरंतरता है। इस प्रकार ये जितने भी सूत्र यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं और शब्दों के जिन अर्थों को दिया गया है, इन सब के संयोजन से इन सब की एक सूत्रता से ही लिए से ही जीवन जागृति की निरंतरता प्रमाणित होती है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार चिंतन बोध क्षमता अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धियां हैं, यही अध्ययन पूर्णता। हम अध्ययन मूलक विधि से इस दर्शन में जो सबसे बड़ा हमारे लिए आश्वस्ति की जगह है, कि हम अध्ययन मूलक विधि से अनुभव तक पहुंचने का जो राजमार्ग इसमें दिया गया है उपासना के माध्यम से, हम सब इसको कर पाने में सक्षम है। केवल हमारी प्रायोरिटी की बनने की आवश्यकता है। बाबा हमेशा कहते थे कि बेटा तुमको अनुभव अभी हो सकता है लेकिन ये तुम्हारी जरूरत नहीं बनी है। जिस दिन ये तुम्हारी इतनी जरूरत बन जाएगी, जिसको कटाह स्थिति या तीव्र इच्छा के रूप में मध्य दर्शन में निर्देशित किया गया है, तो हमारी भी इच्छा ही नहीं बनी। इच्छा बनेगी तो अनुभव नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा आश्वासन या बाबा जी ने हमको दिया है कि बेटा अध्ययन पूर्वक आप जागृत होकर के प्रमाणित हो सकते हो। तो पूर्ण जागृति पर्यंत, जब तक जागृति नहीं हुआ है तब तक प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। जीवन में जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आशा विचार इच्छा के रूप में रहती हैं और मानव में असंग्रह स्नेह विद्या और सरलता और अभयता के रूप में ये मूल प्रवृत्तियों की मार्गदर्शन मध्य दर्शन के प्रस्ताव में है। इसके कारण से जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार चिंतन बोध क्षमता अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। इसी के कारण से विशिष्ट क्या है, तो बोध जो है वो विशिष्ट बुद्धि को विशेषज्ञ कहा गया है। तो और जब बोध में शिष्टता की पहचान, शिष्टता क्या है, तो जो शिष्ट मूल्यों के रूप में मानव का जो आचरण है वो शिष्ट मानसिकता ही है, वही मानव मानसिकता है। मानव मानसिकता में ही शिष्टताएं पहचानने में आती हैं, उससे कम में शिष्टताएं पहचानने में नहीं आती हैं। एवं विचार चिंतन बोध क्षमता ये प्रत्यक्ष होती है और अनुभव पूर्णता ये भी प्रत्यक्ष होती है, यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धि है। मानो जो भी कुछ जितनी भी उपासना के लिए यह मार्गदर्शन दिया गया है, कल से आज तक मैं और पाठक जी आपसे जो भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, जो भी कुछ अध्ययन पूर्वक हमने इसको पहचाना है, अभी तो पहचानने के क्रम में ही हम लोग हैं, हमारा सत्यापन यही है। इसीलिए हम इसको जब रखते हैं
तो दर्शन में जो भी कुछ कहा गया है और उसमें उनको परिभाषाओं के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है, उस पद्धति से ही हम इसको प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि बाबा की जो दर्शन में जो भी वाक्य लिखे गए हैं या जो भी परिभाषाएं लिखी गई हैं, उनमें यदि आप मैं और मैं को से कर देते हैं तो भी अर्थ बदल जाता है। इसलिए इस दर्शन के अध्ययन में और उपासना पद्धतियों के अनुकरण अनुसरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि दर्शन में जैसा लिखा गया है और उसकी जैसी परिभाषाएं दी गई हैं उनको उन्हीं वाक्यों के साथ उन्हीं अर्थों में हम स्वीकारें, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे। यहां तक मैंने अपनी प्रस्तुति रखी, अब इसके बाद पाठक जी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। तो आगे जाने से पहले जो सुदीपा ने कुछ बातें रखी हैं उसको एक बार थोड़ा सा उस पर फिर से ध्यान देते हैं। तो मूल रूप से जो सतर्कता और सजगता की बात हुई है, तो सतर्कता सजगता की न्यूनता ही पूर्ण क्लेश संपूर्ण क्लेश का कारण है। तो सतर्कता और सजगता ही जो है उपासना का लक्ष्य है ना। तो इस अर्थ में और जैसा कि बाबा जी ने सजगता को परिभाषित किया है, सजगता मतलब प्रामाणिकता पूर्ण पद्धति से शिक्षा संस्कार राज्य व्यवस्था संविधान और आचरण परंपरा, जब ये मानव परंपरा में स्थापित हो जाती है उसका नाम है सजगता। और जिसको हम सतर्कता कह रहे हैं, सतर्कता का मतलब है तर्क सम्मत विधि से समाधान प्रमाण होना। दूसरी परिभाषा लिखी है समाधानवादी विचार शैली पूर्ण जीने की कला और उसकी परंपरा। तो इस रूप में सतर्कता और सजगता की जो कमी है वही मानव में क्लेश का कारण है, या क्लेश परिपाकात्मक जो प्रवृत्ति हैं उनका भी कारण यही है ना। और ये भी लिखा है कि मानव इकाई में जो पाई जाने वाली क्षमता योग्यता पात्रता है इसी के आधार पर प्रकट होती है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनीता ने समझाया कि क्रियाशक्ति जो है वो क्रियाशक्ति क्या है, तो जो इंद्रिय हैं इंद्रियों की जो शक्ति है उसका अपव्यय होना, यानी सदव्यय ना हो पाना है ना, क्रियाशक्ति की कमी है। और यदि सदव्यय होता है और वो अपव्यय को हम रोक पाते हैं तो क्रियाशक्ति का जागरण। इसके बाद उन्होंने इच्छा शक्ति की बात की थी। इच्छा शक्ति का मतलब है आशा विचार इच्छा के रूप में, जो आशा विचार इच्छा संकल्प के रूप में अपव्यय का ना होना, असदव्यय और उसका सदव्यय हो पाना, ये इच्छा शक्ति का जागरण है। फिर इसके बाद उन्होंने ज्ञान शक्ति की बात की है ना, सम्यक बोध का मतलब पूर्ण बोध है ना, एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है और यही ज्ञान शक्ति का जागरण है। फिर इसके बाद जागृति त्रय, यानी जो ऊपर जो बात की गई है उसको तो जागृति त्रय कह रहे हैं। यह जागृति त्रय मानवीयता अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है, यही मानव का कर्मोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त साधना की उपादेयता भी यही है ना, यही समग्र मानव की कामना है और यही सर्वमंगल है। सर्वमंगल को जैसा कि सुनीता ने बताया कि चार आयाम पांच स्थितियों की जो एक सूत्रता है उसी को सर्वमंगल कह रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है ये जो सूत्र है इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पूरा उपासना और या जिसको कहें कि विवेक का पूरा स्वरूप जो है इस सूत्र में स्पष्ट होता है ना। जितना भी हम लोगों ने अभी तक बात की है तो वो इस सूत्र में समाने का प्रयास किया गया है। इसमें लिखा है कि जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप भी विवेकपूर्ण विज्ञान की प्रयोग है। तो विवेकपूर्ण विज्ञान कहाँ होता है, तो दिव्य मानवीयता में ही होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की निरंतरता में ही विवेकपूर्ण विज्ञान होता है। तो विवेकपूर्ण विज्ञान को यदि हम अनुमान करने का कोशिश करें कि वो क्या होता होगा, तो उसमें लिखा है कि सतर्कता, पहला बिंदु लिखा है सतर्कता, मतलब तर्क संबंध विधि से समाधान का प्रमाण की निरंतरता का बना रहना। फिर लिखा है अखंड सामाजिकता, तो जैसा अखंड सामाजिकता के बारे में इन्होंने सुनीता ने परिभाषा में बताया कि अखंड समाज सूत्र व्याख्या संपन्न होना और उसके अनुसार जीना है ना। तो अखंड सामाजिकता कैसे दिखेगी हमको, परिवार परिवार की परस्परता के रूप में सामाजिकता का स्थापित हो जाना। फिर है प्रबुद्धता,
प्रबुद्धता का मतलब है जीवन जागृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन का बना रहना। तो ये जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति परिवार में, परिवार की अभिव्यक्ति जो है वो समाज में, समाज की अभिव्यक्ति जो है राष्ट्र में, इसी तरीके से इनकी आपस में संप्रेषणा है ना, व्यक्ति परिवार समाज की आपस में संप्रेषणा। और प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब है इनका जो आचरण है वो हर स्तर पर प्रकाशित रहना, इसको कह रहे हैं प्रबुद्धता। प्रबुद्धता होने से क्या होता है, तो निर्विषमता आ जाती है। यदि इसको हम यदि क्रम से भी देखें तो क्रम से भी ऐसे ही होगा, पहले सतर्कता आएगी, फिर अखंड सामाजिकता आएगी। अखंड सामाजिकता की जो मानसिकता है वो बनेगी। अखंड सामाजिकता की मानसिकता का मतलब है जब परिवार परिवार जो है आपस में सहअस्तित्व सूत्र से जीने लगेंगे, फिर उनमें परस्परता में प्रबुद्धता की स्थापना हो जाएगी, यानी अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में निर्विघ्नता आ जाएगी। कोई भी प्रकार का अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन में निर्विघ्न हो जाना है ना, उसको भी प्रबुद्धता कह रहे हैं। उससे क्या होगा, तो परिवारों की परस्परता में निर्विषमता स्थापित हो जाएगी। निर्विषमता कोई हम लोग वैचारिक मतभेद विहीनता भी बोल रहे हैं, है ना। बाबा जी ने निर्विषमता को एक जगह निर्विरोध, और निर्विरोध का मतलब वैचारिक मतविहीनता की बात की है, और निर्विषमता का एक अर्थ दिया है जिस परस्परता में हिरास के लिए कोई संभावना ना हो, उसको भी निर्विषमता बोला है, है ना। तो निर्विषमता यदि स्थापित हो गई परिवार समूह में या ग्राम में, तो क्या होगा, तो परस्परता में निर्विरोध सामरस्यता स्थापित हो जाएगी। यदि एक ग्राम में होती है या एक से अधिक ग्रामों में ये परस्परता में निर्विरोध सामरस्यता स्थापित हो जाती है, उसी से है ना परंपरा में, यानी जो मानव परंपरा में शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय के रूप में शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है वो उसका उदय होता है। शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है धीरे धीरे मानवीय संस्कृति की नियम पूर्ण आचरण संहिता को प्रकट करती है, जिसको विधि कह रहे हैं। तो शिक्षा विधि, शिक्षा से विधि, और विधि से व्यवस्था। तो व्यवस्था का मतलब है विधि के अर्थ में नीति, है ना। जबकि विधि, बाबा जी ने जो विधि लिखी है उसको हम लोग कह रहे हैं मानवीय आचार संहिता रूपी मानवीय संविधान, है ना। तो मानवीय आचार संहिता रूप आचरण संहिता है उसी को विधि कह रहे हैं। उस विधि के अनुसार व्यवस्था, तो विधि के अर्थ में धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति का निर्वाह करना, इसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तब सभ्यता का उदय होता है। सभ्यता का मतलब है व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना बनने लगता है ना। और सभ्यता में जब हम जीना सीख जाते हैं तभी मानवीय संस्कृति जो है वो प्रकट होती है। मानवीय संस्कृति का मतलब है मानवीयतापूर्ण जो व्यवस्था बनी है उसमें भागीदारी का होना, है ना। तो सभ्यता का मतलब है व्यवस्था में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना, और संस्कृति का मतलब है मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करना। ऐसा होने से बौद्धिक समाधान आता है। बौद्धिक समाधान का मतलब है व्यवहार, व्यवसाय, विचार में निर्विषमता स्थापित हो जाती है, जो पांचों स्थितियों में रहती है, जो सुनीता ने भी इसको रेखांकित किया कि बौद्धिक समाधान का मतलब चार आयाम और पांचों स्थिति में निर्विषमता का बन जाना। तो अनुभव आयाम में तो निर्विषमता का प्रश्न ही नहीं रहता है, तो निर्विषमता जो है वो व्यवहार, व्यवसाय और विचार में ही रहती है। तो व्यवहार, विचार और व्यवसाय पांचों स्थिति में इसमें निर्विषमता का स्थापित हो जाना, उसको कह रहे हैं भौतिक समाधान। और भौतिक समृद्धि का मतलब है कि जब हम उत्पादन से उत्पादन अधिक करते हैं और उपभोग कम करते हैं, क्योंकि बौद्धिक समाधान पूर्वक ही संयम आता है, संयम पूर्वक ही जो है भौतिक समृद्धि जो है वो आती है, क्योंकि आवश्यकताएं जो है वो संयत हो जाती है। आवश्यकता संयत हो जाने से जो उत्पादन में बहुलता आ जाती है, जो बौद्धिक समृद्धि के रूप में है, और जो उपभोग है वो संयत हो जाता है। और बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता। तो जीवन जागृति की परिभाषा ऐसा दी है, गति का गंतव्य प्राप्त हो गया वो जीवन जागृति, श्रम से मुक्ति हो गई जिसको विश्राम कह रहे हैं वो भी जीवन जागृति है, परम विकास को पा लिया है ना, यानी आत्मा जो है वो अनुभव संपन्न हो गई,
आचरण पूर्ण हो गई। आचरण पूर्ण यानी क्रिया श्रम, श्रम के विश्राम यानी श्रम मुक्ति और विश्राम, विश्राम मतलब क्रिया पूर्णता और फिर आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता, इसके रूप में जो है जीवन जागृति की निरंतरता की बात की है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बात है, इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। तो ये सुनीता ने इसको स्पष्ट किया। फिर इसके बाद आगे लिखा है अस्तु, क्रिया की पूर्णता उस क्रिया की निरंतरता है ना, क्रिया की पूर्णता के बाद है। तो क्या है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्रिया पूर्ण हो गई उपासना से, उसके बाद कोई जीने का कार्यक्रम नहीं है तो उदासीनता आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर उदासीनता के रूप में भी, उदासीनता को प्राप्त कर लेना भी उपासना का एक उद्देश्य माना गया हमारे यहाँ। लेकिन बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया पूर्ण होने से क्रिया की निरंतरता है, इसीलिए यह है उदासीनता का या दूसरे को उदासीन करने का कारण सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पूर्णता के लिए क्रियाशीलता है, पूर्णता क्रिया की निरंतरता ही है, है ना। तो ये एक यहाँ पर जो परंपरा में भ्रम है उसका निवारण जो है यहाँ किया गया। जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता होती है। तो इसलिए जो कर्म की उपेक्षा करना, कर्म को त्याग देना है ना, कर्म से तटस्थ हो जाना, उसका उसका उससे पलायन करना, ये सामान्यतः उपासनाओं का उद्देश्य या लक्ष्य रहा है या प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो बाबा जी ने मानव कर्म दर्शन का प्रतिपादन किया है, इसमें वो कह रहे हैं कि क्रिया की निरंतरता बनी रहती है ना, इसीलिए इसमें कोई उदासीनता की कोई जगह नहीं है, ना दूसरे को उदासीन करने की कोई इसमें कोई कारण सिद्ध होता है ना। तो इसीलिए लिखा है कि जो पूर्णता के लिए क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता बनी रहती है। कई बार हम लोग ऐसे प्रश्न भी उठाते हैं कि यदि परंपरा में मोक्ष का लक्ष्य लिया गया है तो मोक्ष होने के बाद जो है मानव का आचरण क्या होगा, क्या मोक्ष होने के बाद जो है शरीर छोड़ने के बाद ही कोई एक स्थिति में जीवन रहेगा, ये प्रश्न उठता है। या मोक्ष यदि शरीर में रहते हुए यदि मोक्ष हो जाता है तो उसके आचरण के बारे में आम तौर पे जो परंपरा है वो मौन दिखती है ना, वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि एक जागृत व्यक्ति का आचरण की निरंतरता यानी जिसको मोक्ष को प्राप्त कर लिया है उसमें किस प्रकार का आचरण होगा। और इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्णता के लिए जो क्रियाशील है, पूर्ण होने के अनंतर उसकी निरंतरता रहती है ना। तो इस अर्थ में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को जो है बाबा जी ने स्पष्ट किया है। इसीलिए अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का प्रमाणीकरण संभव नहीं है, मतलब अपूर्णता से पूर्णता को नहीं नापा जा सकता, मापा जा सकता है ना। अजागृत व्यक्ति से जागृत का प्रमाणीकरण जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है, तो ये लिखा है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य समाता है ना। इसीलिए जागृत व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो अजागृत व्यक्ति नहीं कर सकता है। दूसरे अर्थों में कहें कि अजागृति में पूर्णता का प्रमाणीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो गुरु मूल में लघु मूल समाया है, ना कि लघु मूल में गुरु मूल, है ना। तो यह मानव में प्रत्यक्ष है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम जागृत का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है जो प्रत्यक्ष है, इसी के अनुसांगिक मानव कम जागृत प्रवृत्ति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है और अधिक का ज्ञान भी उसे हुआ है। समान के साथ व्यवहार करने के लिए बात है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गौरव और गरिमा है। यही गरिमा समान के साथ व्यवहार और अधिक जागृति के लिए अभ्यास के लिए प्रेरणा है, यही वास्तविक उपासना है। तो यदि जो ऊपर बात की गई, ऊपर ये बात की गई कि जो अपूर्णता है, अपूर्णता से पूर्णता, अपूर्णता के मापदंड से पूर्णता का प्रमाणीकरण संभव नहीं है,
अजागृत से जागृत का प्रमाणीकरण संभव नहीं है। इसी को उन्होंने कहा, इसका कारण ये है कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाता है, ना कि लघु मूल्य में गुरु मूल्य। फिर आगे एक लिखा है, यह मानव में प्रत्यक्ष है, इसको मानव में देखा जा सकता है। जैसे प्रत्येक मानव अपने से कम जागृत का प्रमाणीकरण करने में सफल हुआ है, जो प्रत्यक्ष है उसका उसको कैसे देख सकते हैं, तो इसी के अनुसांगिक जो मानव है वो कम जागृत प्रकृति के साथ उत्पादन करता हुआ प्रत्यक्ष है और अधिक का ज्ञान उसे हुआ है। इसीलिए समान के साथ व्यवहार करने के लिए बाध्य हुआ है, यही सामाजिकता की बाध्यता है, यही मानव जीवन की गौरव और गरिमा है। यही गरिमा समान के साथ व्यवहार और अधिक जागृति के लिए अभ्यास करने की प्रेरणा है, यही वास्तविक उपासना है। फिर आगे लिखा है, विवेक और वैराग्य ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है ना। तो विवेक का जो मतलब होता है बौद्धिक अध्ययन, जिसमें आत्मा का अमृत तो शरीर का नसरत और व्यवहार के नियम समाये रहते हैं, उसको विवेक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात मानव लक्ष्य के रूप में भी विवेक है। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य का मतलब असंग्रह प्रवृत्ति से समृद्धिपूर्वक सदुपयोग प्रवृत्ति संपन्न है ना, इसको वैराग्य कह रहे हैं। ब्रैकेट में समृद्धि लिखा ही हुआ है। तो विवेक और वैराग्य ही उपासना का प्रत्यक्ष फल है, जिससे सामाजिकता स्वाभाविक रूप में समाहित है। तो विवेक और वैराग्य में, इन दो स्थितियों में जो उपासना का फल है, इसमें सामाजिकता स्वाभाविक रूप से समाई रहती है। फिर थोड़ा विवेक को वैराग्य को पहले परिभाषित किया है। तो वैराग्य का परावर्तन ही असंग्रह है। तो जो वैराग्य यानी समृद्धि जो है परावर्तित होती है, तो वो असंग्रह के रूप में उदारता और दया के रूप में रहती है। उदारता और दया के रूप में ही समृद्धि जो है वो सदुपयोगता में नियोजित होती है। फिर दूसरा लिखा है कि भौतिक समृद्धि में उदारता और दया के मौलिक मूल्यों का अनुरंजन ही सामाजिकता का प्राण तत्व है। मतलब जब हम समृद्धि को उदारता और दया पूर्वक उसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में नियोजित करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या सुलभता के अर्थ में, या विनिमय सुलभता के अर्थ में यदि हम उसको सुनियोजित करते हैं, उसी से सामाजिकता का उदय होता है। तो इसीलिए लिखा है कि वो सामाजिकता का प्राण तत्व है, यही सामाजिक संगीत है ना, इसके लिए मानव प्रसिद्ध है। फिर आगे लिखा है विवेक। तो विवेक ही बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है। तो जो विवेक है वही मानव में बौद्धिक समाधान एवं सामाजिक मूल्यों को निर्वाह पूर्वक प्रकट करता है। इसीलिए इन दोनों को डिफाइन करने के बाद, वैराग्य और विवेक को डिफाइन करने के बाद लिखा है, इसलिए विवेक और वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान का प्रधान लक्षण है। परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब जिसको हम लोग इंद्रियों से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उनको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और बाबा जी ने यहाँ जो परोक्ष ज्ञान जिसको लिखा है, उसका मतलब है न्याय धर्म सत्व मूल्यों का जो ज्ञान है ना, या जो व्यापक ब्रह्म रूपी सत्ता का जो ज्ञान है, उस सबको हम परोक्ष ज्ञान कहें। तो विवेक व वैराग्य ही परोक्ष ज्ञान का प्रधान कारण है। अनुभव ही परोक्ष ज्ञान की अंतिम स्थिति है। इसके पूर्व अनुमान अधिकार ही प्रसिद्ध है। तो अनुभव से पहले अनुमान अधिकार है, अनुभव में ज्ञान पूर्णता हो जाती है, इसलिए परोक्ष ज्ञान की जो अंतिम स्थिति है वो अनुभव है। वस्तु स्थिति, वस्तुगत और स्थिति सत्य में ही अनुभव है। तो अनुभव जो है कहाँ पर है, तो वस्तु स्थिति सत्य में है, जिसको देश काल दिशा बोल रहे हैं, और वस्तु का सत्य जिसको रूप गुण स्वभाव धर्म, और स्थिति सत्य का मतलब सह अस्तित्व में अनुभव, इस रूप में ही अनुभव है। फिर लिखा है कि जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान के बिना, यदि हमको परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, उस स्थिति में नित्य अनित्य, युक्त अयुक्त, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ईष्ट अनिष्ट,
और दृष्ट अदृष्ट तथा परोक्ष ज्ञानाधिकार सिद्ध नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान के बिना नित्यानित्य युक्तायुक्त न्यायान्याय धर्माधर्म सत्यासत्य ईष्टाइष्ट दृष्टादृष्ट तथा परोक्ष ज्ञान अधिकार सिद्ध नहीं होता है। तो परोक्ष ज्ञान में ही हमारे अंदर जो तुलनात्मक दृष्टि जो है वो उसका उदय होता है, जो हमारी वृत्ति में होता है, और उसके आधार से हम लोग नित्य अनित्य को पहचानते हैं, युक्त अयुक्त को, न्याय अन्याय को, धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को, इष्ट और अनिष्ट को, और दृष्ट यानी जो दिखने वाला है और जो दिखने वाला नहीं है अदृष्ट, तथा परोक्ष ज्ञान अधिकार सिद्ध नहीं होता है। फिर नित्यानित्य ज्ञानाधिकार के बिना मानव में स्वधर्म प्रतिष्ठा, स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है। तो नित्य अनित्य का जो ज्ञानाधिकार है उसके बिना मानव में स्वधर्म के प्रति निष्ठा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर एक बार मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, इंद्रिय कार्यकलाप या इंद्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वही परोक्ष ज्ञान की सीमा है। फिर आगे लिखा है, मानव धर्म ही सुख, सुख ही न्यायपूर्ण आचरण, और न्यायपूर्ण आचरण ही मानवीयतापूर्ण सीमा एवं नियम त्रय का पालन है, यही मानव का स्वधर्म है, मानव सुख धर्मी है। फिर आगे स्पष्ट किया है, मर्यादा विहीन इकाई नहीं है। मर्यादा का मतलब होता है विधि से प्रमाणित रहना, है ना, विधि से प्रमाणित रहने को मर्यादा कहते हैं। तो जो जीवों में स्वभाव मर्यादा है, मतलब जीवों में जो एक नियंत्रण है ना, मर्यादा को एक प्रकार से नियंत्रण भी कह सकते हैं। तो जीवों में जो नियंत्रण है वो स्वभाव मर्यादा में है, वनस्पतियों में गुण मर्यादा है, और पदार्थ में रूप मर्यादा है ना। तो जीवों में स्वभाव मर्यादा, वनस्पति में गुण मर्यादा एवं पदार्थ में रूप मर्यादा भंग नहीं होती है, ये बनी रहती है, यही इसकी गरिमा है। इसी प्रकार मानव में सुख ही धर्म है ना, तो धर्म ही मर्यादा हो गई, तो मानव सुख विहीन नहीं होता है, मानव में कभी भी सुख भंग नहीं होता है ना। सुख भंग नहीं होता है इसका मतलब क्या है, या तो सुख का आशा बना रहता है या सुख की निरंतरता बनी रहती है, उस रूप में सुख भंग नहीं होता है। यानी सुख विहीन कोई भी जीवन इकाई नहीं है, या सुख विहीन कोई मानव नहीं है, सुख विहीन कोई मानव नहीं है, ये सिद्ध होता है ना। तो मानव में सुख ही धर्म है, तो सुख विहीन कोई मानव नहीं है, यानी धर्म ही मर्यादा है, और यानी धर्म रूपी मर्यादा यानी मानव में सुख भंग नहीं होता है, ऐसा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, यही उसकी गरिमा एवं विश्वास है। मर्यादा का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है, क्योंकि यदि कोई अपनी मर्यादा में नहीं है तब उसमें अविश्वास पैदा होता है। यदि वो अपनी मर्यादा में है, जैसे मानव में परस्परता में जो अविश्वास है उसका मूल कारण है मानव अपनी मर्यादा में नहीं है, है ना। फिर आगे लिखा है कि विश्वास विहीन संबंध और संपर्क में सुख नहीं है, संबंध एवं संपर्क विहीन मानव नहीं है। दो बातें लिखी, पहली बात लिखी है विश्वास विहीन संबंध और संपर्क में सुख नहीं, दूसरे अर्थों में हम ऐसा भी कह सकते हैं विश्वास विहीन संबंध और संपर्क नहीं, क्योंकि संबंध और संपर्क का प्रयोजन सुखी है ना। फिर लिखा है संबंध एवं संपर्क विहीन मानव नहीं है, तो संबंध और संपर्क के साथ ही मानव है, क्योंकि हर मानव का जन्म संबंध पूर्वक है, क्योंकि हर मानव का जन्म किसी न किसी माता पिता परिवार में ही होता है, इसीलिए संबंध और संपर्क के साथ ही मानव है। यही बाध्यता स्वधर्म के लिए है ना, यही बाध्यता स्वधर्म के लिए, स्वधर्म पालन में जो अक्षमता अयोग्यता अपात्रता है वही दुख क्लेश समस्या व जागृति है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि मानव संबंध और संपर्क में है, संबंध संपर्क भी मानव नहीं है, संबंध संपर्क में ही सुख है, इसी बाध्यता बस स्वधर्म के लिए मानव बाध्य है, और यही जो स्वधर्म है, स्वधर्म पालन में जो अक्षमता है, अयोग्यता है, अपात्रता है, यही दुख क्लेश समस्या और अजागृति है। स्वधर्म में
स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता, क्या बोले? 4 मिनट अभी, 4 मिनट बाकी है ना, 4 मिनट है, ठीक है, 4 मिनट और चला दे, इसके बाद हम लोग करेक्ट 10:11 हम लोग इसको समाप्त करेंगे, तब तक हमारे 2 सूत्र और हो जाएंगे, है ना। स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता, क्षमता का मतलब है, क्षमता का मतलब आप सब समझते ही हैं, वहन करने वाली क्रिया, निर्वाह करने वाली क्रिया, धारकता सहित वाहक क्रिया, इसको क्षमता कहें। तो स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने की क्षमता, क्षमता को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वहन करने वाली क्रिया, निर्वाह करने वाली क्रिया और धारकता सहित वाहक क्रिया, इसको क्षमता कहें। फिर लिखा है क्षमता योग्यता और पात्रता से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है, यानी जब तक हम स्वधर्म संपन्न नहीं हो जाते और उसका पालन नहीं करने लगते हैं तब तक अध्ययन रूपी उपासना निरंतर चलती रहती है, उसके लिए हमको अपनी क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होना पड़ता है। तो योग्यता का मतलब, योग्यता का अर्थ है अभिव्यक्ति संप्रेषणा सहित प्रमाण संपन्नता, इसको योग्यता कह रहे हैं, और पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रियाकलाप, है ना, इस रूप में हम लोग पात्रता को समझते हैं, ठीक है। एक बार मैं इस सूत्र को फिर से पढ़ दे रहा हूँ, स्वधर्म में संपन्नता एवं पालन करने योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक ज्ञानार्जन करने के अर्थ में अध्ययन रूपी उपासना का अभाव नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है मानव के स्वधर्म की सीमा में ही मत, संप्रदाय और वर्ग तिरोहित हो जाते हैं, जिसकी अभी हम लोग पहले बात करते चले आ रहे थे, है ना। तो मत, संप्रदाय और वर्ग की उत्पत्ति का भी कारण जो है उपासनाओं की जो विशिष्टताएं शिष्टताएं रही हैं परंपरा में, उसी के कारण से मत, संप्रदाय और वर्ग जो है वो पैदा हुए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव के स्वधर्म की सीमा में ही मत, संप्रदाय और वर्ग तुरोहित हो जाते हैं, यही समर्थ उपासना की प्रत्यक्ष गरिमा है और यही मांगलिक है। फिर एक और सूत्र है, साध्य, साधक और साधन, इन तीनों का उपासना में समाहित रहना अनिवार्य है, है ना। साधन की बात पहले हम लोग कर चुके हैं, साध्य मतलब जिसको हमको प्राप्त करना है, साधक का मतलब है जो प्राप्त करने वाला है, है ना, उस रूप में इन तीनों का सा, है ना, और इनकी एक सूत्रता ही उपासना की सफलता है, साध्य साधक और साधन की एक सूत्रता ही उपासना की सफलता, अन्यथा असफलता है। तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है, यही उपासना है, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, 3:30 जो है एक बार फिर से मिलेंगे इससे आगे का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। नमस्कार आप सभी को।